स्टूडेंट्स टुडे वी विल टेक चैप्टर नंबर सेवन पेज नंबर सेवेंटी नाइन चैप्टर नंबर सेवन पेज नंबर सेवेंटी नाइन कंबर्शन एंड फ्लेम ओके सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल मस्ट नो अबाउट द फ्यूल्स आप सबको फ्यूल के बारे में मालूम है तो अब हम यहां पे लिखते हैं मैं फ्यूल यूज और एक टेबल बनाता हूं ओके okay. सबसे पहले मैं लिखता हूं एट होम हम अपने घर में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं हमने यहां पे फ्यूल का नाम लिखना है तो कौन कौन सा फ्यूल हम अपने घर में यूज करते हैं आपको मालूम है तो सबसे पहले आपका आंसर होगा हम यूज करते हैं एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है हमारा गैस स्टोव ओके और आप क्या यूज करते हो वुड यूज करते हैं हमारे घर में और क्या यूज करते हो काउडंग यूज करते हो आप कैरोसिन यूज करते हो एक्सेट्रा ऐसे बहुत आएगा आपके लिस्ट में ठीक है बच्चों जो हम अपने घर में फ्यूल यूज करते हैं और अब नेक्स्ट अगर हम बोले एट इंडस्ट्री एट इंडस्ट्री अब इंडस्ट्री एक फैक्ट्री में क्या क्या फ्यूल यूज होता है फैक्ट्री में पेट्रोल यूज होता है टू रन द मशीन डीजल यूज होता है एक्सेट्रा ये फ्यूल्स यूज होता है हमारे फैक्ट्रीज में और वहीकल्स में वाइकल्स में भी हमारा पेट्रोल यूज होता है और डीजल यूज होता है यह आपको मालूम है ओके बच्चों तो ये हमारा जो फ्यूल्स यूज़ होता है इसके बारे में आप हमने थोड़ा पढ़ना है ठीक है बच्चों आज इस चैप्टर में ओके आप सबसे पहले आप सबको मालूम है एक बर्निंग कैंडल ठीक है बच्चों एक बर्निंग कैंडल है इस बर्निंग कैंडल को आप अच्छे तरह से देख लो ओके बच्चों अब नेक्स्ट जो है आपको ये भी मालूम है ये वाला नीचे मैंने दिया है एक बर्निंग कोल ठीक है दोनों अब दोनों जो है एक बर्निंग कैंडल है और एक बर्निंग कोल है इन दोनों को आप इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बच्चों इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपने कंपेयर करना है बच्चों अगर हम इसको देखेंगे अच्छे तरह से देखेंगे तो जो हमारा कैंडल बर्न हो रहा है बच्चों यह कैंडल बर्न हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वहां पे एक फ्लेम आ रहा है कैंडल में एक फ्लेम है बच्चों अच्छे तरह से देख लो आप इस फोटो में इस फोटो में देखो कैंडल में एक फ्लेम कोल का है जिसमें फ्लेम नहीं है बच्चों तो हमारा जब आ, फ्यूल जो बर्न होता है तो कुछ फ्यूल ऐसा है जो बर्न विथ फ्लेम्स और कुछ फ्यूल ऐसा है जो बर्न विदाउट फ्लेम्स सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग इस बर्निंग के केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वट इज कंबर्शन ओके बच्चों वॉट इज कंबर्शन वट इज कंबर्शन आपको यह मालूम होना चाहिए वॉट इज कम्बन आप आप लोग फेमिलियर हो गए जब आप अपने टीचर के साथ आपने किया होगा छोटे क्ला, क्लास सेवेंथ में आपने किया होगा हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया हो लिया है ठीक है बच्चों एक मैग्नीशियम रिबन लिया है इस मैग्नीशियम रिबन को हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं साफ करने का मतलब यह है कि यह हमारा मैग्नीशियम रिबन हमारे लेबोरेटरी में पड़ा रहा या हमारे क्लासरूम में पड़ा रहा इसके वजह से इसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ इसमें थोड़ा सा रिएक्ट हुआ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने की वजह से यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लायर बन गया है ऊपर जिसके वजह से यह कंबशन होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसीलिए हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर इसको हम साफ करते हैं बच्चों इसको हमने साफ किया फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे छोटा सा हमने टुकड़ा लिया अब इसको हमने बर्न किया ओके स्टूडेंट यू विल यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद वाइट फ्लेम ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और साथ में ये लाइट देता है ठीक है बच्चों अब ये जो मैग्नीशियम रिबन जो है ये हमारा एक फ्यूल है तो वैसे ही अगर हम एक पेपर ले लें इस पेपर को अगर हम थोड़ा सा काट के आग पे लगा दें तो ये पेपर भी हमारा जल जाता है ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पेपर विल ऑल्सो बर्न अब सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बच्चों अगर हम कोल ले या चारकोल ले उसको भी अगर हम Heat, आग पे लगा दें तो फिर वो ए, फायर कैच करता है और कुछ सब्सटेंस हमारा ऐसा है जो फायर कैच करता है विथ फ्लेम्स और कुछ सब्सटेंस ऐसा होगा जो फायर कैच करेगा मगर विदाउट फ्लेम होगा बच्चों तो अब इससे हम इस कैम कम, कम, को हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों तो कंबर्शन क्या होता है कंबर्शन इज अ केमिकल प्रोसेस ठीक है बच्चों ये हमारा कंबर्शन जो है एक केमिकल प्रोसेस है इसमें हमारा एक सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ये सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है एंड गिव ऑफ हीट हीट रिलीज करता है तो उसको हम कंबर्शन कहते हैं बच्चों अब कोई भी सब्सटेंस जब कंबर्स कंबर्शन होता है कुछ सब्सटेंस जो कंबर्स्ट होता है उसको हम कंबर्टेबल सब्सटेंस कहेंगे बच्चों तो उसको हम फ्यूल भी कहते हैं बच्चों ठीक है जो चीज़ हमारा कम्बर जैसे हमारा इन केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम बर्न हुआ तो ये हमारा फ्यूल है बच्चों जैसे हमने पेपर लिया पेपर भी हमारा फ्यूल है बच्चों हमारा डीजल कैरोसिन जो भी हम लेते हैं जो बर्न होता है इन एयर उसको हम कम्बर्सन कहते हैं जब कम्बन होता है तब हमारा हीट रिलीज होता है बच्चों और मैक्सिमम कम्बर्सन में हमने देखा है कि हीट के साथ साथ हमारा लाइट भी रिलीज होता है बच्चों अब जरूरी नहीं है कि हर एक कंबशन में लाइट जो है वो रिलीज हो क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम फूड के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी हमारे बॉडी के लिए जो फ्यूल चाहिए वो हमारा फूड है तो जो हम फूड खाना खाते हैं बच्चों उसमें भी कंबशन होता है बच्चों उसमें क्या होता है बच्चों देखिए उसमें होता है हम जब फूड लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर यह फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है बच्चों आप ऑक्सीजन को मैं जिसको हम O2 ठीक है यह ऑक्सीजन के साथ बॉडी सेल्स में रिएक्ट होता है और ऑक्सीजन के साथ यह रिएक्ट होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ठीक है बच्चों तो ये जब हमें एनर्जी रिलीज होता है इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है और जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें हमारा हीट भी जनरेट होता है बच्चों तो ये जो हमारा प्रोसेस है जो फूड ऑक्सीजन के साथ मिलके जो कंबर्शन होता है जब एनर्जी रिलीज होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हीट भी यहां पे एनर्जी रिलीज होता है बच्चों तो उस इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन ठीक है बच्चों इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स में होता है बच्चों आप आपने क्या करना है बच्चों आपने बहुत, आपके इरिद बहुत है हमारे पास हमने उन मेटीरियल को कलेक्ट करना है जैसे मैंने कलेक्ट किया है ये एक चौक है चौक मेरे हाथ में है ये एक पत्थर है स्टोन स्टोन मैंने कलेक्ट किया है एक आयरन नेल आयरन नेल मैंने कलेक्ट किया है एक वुड पीस एक वुड का पीस मैंने कलेक्ट किया है ठीक है बच्चों ऐसे ही हमने बहुत सारा मटेरियल हमने कलेक्ट करना है और उस मटेरियल को हमने फ्लेम में लगा के देखना है बच्चों सबसे पहले ये एक मेरा नेल है बच्चों आयरन नेल। इसको मैंने आग में लगा के रखा इस पे आग नहीं लेगा बच्चों तो ये ये हमारा सब्सटेंस जो है वो नॉन कंबस्टिबल है ठीक है बच्चों जो आग नहीं लेता है उसको हम नॉन कंबस्टिबल कहते हैं और ये जो मेरा वुड है बच्चों अब वुड को आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इस वुड को आग में आग पे लगाया तो इसमें हमारा आग जलना शुरू हो गया बच्चों देखो ये वुड आग जलना शुरू हो गया तो वुड ऐसा सब्सटेंस अब नेक्स्ट मैंने एक पत्थर लिया है बच्चों स्टोन स्टोन जब मैं आग पे लगाता हूं क्या ये स्टोन भी आग पकड़ेगा ओके okay. आपको मालूम है इस स्टोन पे आग नहीं पकड़ेगा तो ये है हमारा नॉन कंबस्टेबल ठीक है बच्चों ये कंबल्स नहीं होता है ठीक है बच्चों अब ये मेरा चौक है चौक को मैंने यहां पे याँ आग पे रखा है तो हमारा ये चौक भी आग नहीं लेगा तो वैसे ही हमारे बुक के टेबल सेवन पॉइंट वन पे बहुत ज्यादा मेटेरियल है उन मेटेरियल के आगे कम्बेशन और नॉन कम्बेशन का एक टेबल बनाया हुआ है तो आपने लिखना है बच्चों कि जोन जोन सा हमारा सब्सटेंस जो है वो आग लेता है वो कम्बस्टेबल जो नहीं आग ले, लेता है वो नॉन कम्बस्टेबल है बच्चों ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट जो हमारा एक्टिविटी है इस कैंडल के साथ करेंगे बच्चों हमने क्या करना है ये कैंडल लेना है बर्निंग कैंडल इस बर्निंग कैंडल के साथ हमने एक ये मैंने एक चिमनी लिया है बच्चों ठीक है जिसका आगे और पीछे दोनों काटा हुआ है ठीक है ये हुआ. ओके आप क्या करेंगे हम यहां पे ब्लॉक्स लेंगे इस ब्लॉक के ऊपर इस बर्निंग कैंडल के ऊपर के मैं ये जो हमारा ये चैनल जो है मैंने यहां पे रखा है इसको मैंने इसके ऊपर रखा है अब हमने बर्निंग कैंडल पे कोई इफेक्ट हुआ बच्चों हमने देखना है कुछ इफेक्ट हुआ है बर्निंग कैंडल पे नहीं ये ठीक जल रहा है ओके अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इस नीचे जो मैंने दो ब्लॉक रखा था इस ब्लॉक को हटा देना है बच्चों इस ब्लॉक को हटा के मैंने इसको रखा बच्चों जब मैंने इसको रखा है तो आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारा जो फ्लेम जो है ये फ्लिकर करना शुरू करेगा बच्चों फ्लिकर करने करने का मतलब ये है कि अब इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मिल रहा है जिसकी वजह से यह फ्लिक हो रहा है, आप जो है अगर मैं इसको ऊपर से भी बंद कर दू बच्चों अब क्या होगा अब क्या होगा बच्चों अब क्या कर दिया है अब नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है आप ठीक है बच्चों अब आप, आप फ्लेम को देखिए बच्चों हमारा फ्लेम बुझ गया है ठीक है बच्चों तो इससे हमें क्या मालूम होता है इससे हमें यह मालूम होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने दो ब्लॉक्स रखा था तब हमारा जो फ्लेम है इस फ्लेम को नीचे से भी एयर मिल रहा था ऊपर से भी एयर मिल रहा था इसीलिए यह हमारा फ्लेम बहुत अच्छे तरह से जल रहा था बच्चों जब सेकंड केस में जब हमने क्या किया सेकंड केस में जब हमने इसको सिर्फ ये ऊपर से ही एयर मिल रहा था तो ऊपर से एयर अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों इसीलिए जो हमारा फ्लेम जो है वो फ्लिकर कर रहा था बच्चों और थर्ड केस में जब हमने इसको बंद कर दिया तो इसमें क्या हुआ कि ए, पहले तो थोड़ा सा जल, ए, ये अंदर जलते हुए रहा क्यों रहा क्योंकि अंदर में थोड़ा सा हमारा ऑक्सीजन जो एयर जो है इसमें था ऑक्सीजन जो है इस, इस एयर में थोड़ा था तो उस ऑक्सीजन को वो यूज कर रहा था जैसे ही हमारा वो अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया तो हमारा फ्लेम जो है बुझ गया है अब इससे हमें क्या मालूम हुआ इस एक्टिविटी से हमें यह मालूम हुआ कि फॉर कंबेशन कंबर्शन के लिए एयर इज नेसेसरी ठीक है एयर मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर इज नेसेसरी ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग कोई भी चीज जब कंबसेबन होता है कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है उसको कंबस्ट होने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत है बच्चों ठीक है बच्चों ओके okay, बच्चों इस पार्ट में आप हम हमने देखा कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है तो इस पार्ट में हम कंबशन ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे थैंक यू अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लेना या फोन कर लेना थैंक यू